सफलता जी के हुनर ने न सिर्फ उनका बल्कि शांति पत्नियों को जमा करने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन, मैं आपके साथ। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाएंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये पटना जंक्शन पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हरी झंडी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और देख सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं किस तरह से वंदे भारत के साथ सेल्फी ले रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। और जिस तरह से कहें तो ये दूसरी जो ट्रेन है वो पटना जंक्शन से खुलेगी और ये जो वंदे भारत है वो पटना टू हावड़ा चलेगी। और जिस तरह से कहें तो एक जो वंदे भारत है वो पटना टू रांची चलती है और जो आज बिहार को ये सौगात दी जा रही है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से खुलेगी। और देख सकते हैं क्या जो तमाम लोग हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहिएगा आज वंदे भारत फिर से दूसरी ट्रेन दी है पटना को? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वंदे भारत खुल रही है, पटना जंक्शन से हावड़ा तक जाएगी। कैसा सफर किया कि नहीं जो पहली वंदे भारत उस पर? मैं सफर तो नहीं किया अभी तक। कैसा ट्रेन लग रहा है, कैसे देखने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या कहिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिहार के सौगात बड़े बड़े दे रहे हैं और इस बार फिर से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेन को देने के लिए, वंदे भारत को बिहार में चलाने के लिए। चढ़े कि नहीं अभी तक, सफर करें कि नहीं? ना अभी तक नहीं किया लेकिन करेंगे जी। क्या कहिएगा आज बिहार को सौगात मिली है वंदे भारत दूसरी वंदे भारत? हाँ, अपने देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि दूसरी भारत यहाँ पटना से दूसरी बार खुले हावड़ा के लिए। कैसी लगी ट्रेन? ट्रेन पर आप सफर किए कि नहीं? किए नहीं लेकिन सोच रहे हैं करने के लिए। आज आम लोगों को लिए नहीं है लेकिन सफर करना आगे? हाँ करना है, आ गए, उद्घाटन था इसलिए। अंदर ट्रेन पर चढ़ कर देखेगी कैसा है? घूम लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए तो देखिएगी कहीं, क्या कहिएगा सेल्फी ले रहे वंदे भारत से? बोले वंदे भारत सुविधा है पटना से हावड़ा के लिए। और कैसा लग रहा है ट्रेन, कैसा लग रहा है? ट्रेन तो ठीक लग रहा है। बड़ा सेल्फी ले रहे हैं वंदे भारत के साथ? सेल्फी लेंगे। और किराया था कैसा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन? ट्रेन ठीक लग रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं बिहार में लाकर। और ये बिहार में लालू जी तो आज तक ये ट्रेन पर घुमाया नहीं, हमको नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा ट्रेन लगा, अंदर घूम के आया, बहुत अच्छा व्यवस्था है। ऐसा हम लोग को लालू जी कभी तो दिए ही नहीं है बिहार में कि जो हम ये वंदे मातरम ट्रेन को देख सके। पहली बार हम लोग लोकल ट्रेन से घूमते थे, आज कहाँ हम लोग वंदे मातरम ट्रेन में सफर करने के लिए मिल रहा है। अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो इससे बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग को बिहार में ट्रेन देखने को मिलेगा। क्या कहिएगा, इससे पहले सफर किए कि नहीं वंदे मातरम? नहीं, वंदे मातरम में पहला बार सफर किया हूँ तो इस सफर में करूँगा। अंदर घूमा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, दिल खुश हो गया। ऐसा मैं ट्रेन कभी देखा नहीं हूँ। हमारा मोदी जी बहुत ही अच्छा काम किए हैं, मैं मोदी जी को बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पूरा कर रहे हैं उनको मैं दिल से आभार करता हूँ। और मैं 2024 में भी नरेंद्र मोदी का सरकार ही चाहता हूँ। देखिए कि इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में भी हम नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। और जिस तरह से कहें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस पटना टू हावड़ा चलेगी 12:30 बजे जो कहें तो इसकी टाइमिंग दी गई है। और इससे पहले जो वंदे भारत है जो ट्रेन दी गई थी पटना टू रांची, और ये दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है वो दी गई है पटना से हावड़ा के लिए। और जिस तरह से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ट्रेन की शुभारम्भ करेंगे, 9 जगहों से ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। और वही बात करें कि आज इस पर आम लोगों को सफ़र नहीं करवाया जाएगा, कई स्कूल बच्चों को सफ़र करवाया जाएगा, जो VIP लोग हैं वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे। और जो पटना जंक्शन पर तमाम जो लोग हैं वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं वंदे भारत से। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।